नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 8 दिसंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। यूपीपीसीएल में जूनियर इंजीनियर की बंपर वैकेंसी के लिए आवेदन हुए शुरू। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में ट्रेनी जूनियर इंजीनियर के पदों पर बंपर वैकेंसी निकली है। कुल 212 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार upenergy.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार से आग्रह है कि 28 दिसंबर तक आवेदन कर दे। ज्ञात हो भर्ती के लिए परीक्षा फरवरी में आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता समेत तमाम जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर साझा कर दी गई है। उम्मीदवार आवेदन भरने से पहले जाकर चेक कर सकते हैं। शिवहर के अति प्राचीन बरगद के वृक्ष के पास आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पुरनहिया प्रखंड के एक गांव में स्थित एवं अनुमानतः 2 एकड़ में फैला अति प्राचीन विशाल बरगद के वृक्ष की लगभग 100 और भी सहायक तना और जड़ें हैं, जो हाथी घोड़ों जैसी आकृति बनाते हुए एक प्रकार का भ्रम पैदा करते हैं। लोगों के लिए, खासकर बच्चों के लिए, कौतूहल पूर्ण दृश्य एवं क्रीड़ा स्थल है। प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन यहाँ एक मेले जैसा दृश्य होता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि मूल तना की जड़ के खो में नागदेवी और नागदेवता का निवास है। बिहार में कोरोना के मिले 400 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 439 मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,39,565 पर पहुंच गई है। वहीं टॉप 3 जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में 170 मामले सामने आए हैं, वहीं पूर्णिया में 29 और गया में 19 मामले सामने आए हैं। भारत बंद के कारण पीयू में एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट की बढ़ी तारीख। आज भारत बंद के मद्देनजर पटना विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में एलएलबी में नामांकन के लिए टेस्ट की तारीख बढ़ा दी गई है, जिसके बाद अब यह परीक्षा 8 दिसंबर के बजाय 9 दिसंबर को होने वाली है। हालांकि विश्वविद्यालय ने तारीख बढ़ाने का कोई खास कारण नहीं बताया है। आपको बता दें, इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड बीते दिन ही जारी कर दिया गया है और परीक्षा के एक हफ्ते बाद रिजल्ट आने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही रिजल्ट के बाद ही कट ऑफ लिस्ट भी जारी किया जाएगा। बिहार में मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। बीते दिन बिहार में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया, जिसमें शामिल होने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहुंचते ही बहादुर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता जाहिर की। बिहार एक्स सर्विसमैन बेनेवोलेंट फंड में उन्होंने दान भी किया। आपको बता दें, सेना झंडा दिवस के मौके पर भारतीय सेना अपने बहादुर जवानों के कल्याण के लिए भारत की जनता से धन संग्रह करती है। इस दिन को मनाने के पीछे 3 अहम मकसद है। इसमें युद्ध के दौरान होने वाली हानि में सहयोग करना, सेना के जवानों और उनके परिवारों की मुश्किल हालात में मदद करना और रिटायर हो चुके जवानों और उनके परिवार का कल्याण करना है। बिहार में कोल्ड चेन बनकर हुआ तैयार। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पहले चरण के टीकाकरण को लेकर कोल्ड चेन तैयार हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके तहत पहले चरण में केंद्र से मिलने वाले कोरोना वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में एकत्र करने और उसे जिलों तक पहुंचाने के लिए भी तैयार है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों की माने तो पहले चरण के कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर विभाग में उपलब्ध संसाधन पर्याप्त है। राज्य स्वास्थ्य समिति के तहत पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में 3 मंजिला भवन में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई है, जहां पहले से ही विभिन्न टीकाकरण अभियानों के तहत अलग अलग रोगों के वैक्सीन रखे जाते रहे हैं। इस कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 6 लाख वैक्सीन को एक बार में रखने की है। मुख्य कोल्ड स्टोरेज स्थल से जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। भारत बंद को सफल बनाने के लिए नए रूटों पर मोर्चा संभालने की शुरू हुई पहल। कृषि कानून को लेकर आज किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं किसानों की तरफ से बुलाए गए बंद को वाम दलों के अलावा कांग्रेस, रालोसपा और अन्य कई दलों की तरफ से भी समर्थन मिला है। वहीं अब भारत को बंद कराने को लेकर कई पार्टियों ने अलग अलग मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में समूचे भारत में इसका व्यापक असर भी देखने को मिलने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि बंद को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जोर सड़क और रेल मार्ग को अवरुद्ध करने को लेकर होने वाला है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे तनुश्री दत्ता की। तनुश्री दत्ता का जन्म 19 मार्च 1984 को जमशेदपुर में हुआ था। साल 2008 में तनुश्री संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रीन कार्ड धारक रही हैं। फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद वर्ष 2005 में तनुश्री ने फिल्म आशिक बनाया आपने से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इसके बाद वो कई अन्य फिल्मों में भी नजर आई, जिसमें चॉकलेट, भागम भाग, ढोल, रिस्क, गुड बॉय, बैड बॉय, सास बहू और सेंसेक्स और अपार्टमेंट आदि शामिल है। इसके साथ ही तनुश्री की हिंदी सिनेमा में आखिरी फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई अपार्टमेंट थी।
शादी समारोह के लिए बिहार सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। कोरोना के माहौल में होने वाले शादी समारोह को लेकर बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें अब 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन को देखें तो अब बिहार में कुल मिलाकर 200 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार ने इससे पहले मात्र 150 लोगों को शादी में सम्मिलित होने का आदेश दिया था। इतना ही नहीं, अपने ही गाइडलाइन को संशोधित करते हुए बाराती को बैंड बाजे के साथ बारात निकालने की अनुमति भी दे दी थी, जो कि 3 दिसंबर तक प्रभावी थी। वहीं अब शादी समारोह में 200 लोग शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। अब व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रामीण सड़कों की होगी मॉनिटरिंग। अब ग्रामीण इलाकों के सड़कों से जुड़ी सारी जानकारी क्षेत्र के ग्रामीण सरकार तक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पहुंच सकेंगे। सरकार ने इस बाबत ग्रामीण सड़कों की वास्तु स्थिति और उनके रखरखाव से अवगत होने के लिए जिला से लेकर मुख्यालय स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का फैसला लिया है। इसके पहले इस कार्य योजना का मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन किया जाएगा। हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने ग्रामीण पथों के रखरखाव को लेकर राज्य के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की थी। बिहार में अब नई नीति के तहत होंगे पुलिसकर्मियों के तबादले। पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर नई नीति तैयार की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के तबादले नए नियम के तहत ही होंगे। माना जा रहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक 6 साल पूरे करने वाले पुलिसकर्मियों का तबादला जिले के बाहर होना तय है। यह प्रक्रिया जनवरी 2021 से शुरू होगी। इस नीति को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस प्रक्रिया को प्रत्येक साल जनवरी से मई के बीच पूरा करने की सलाह दी गई है। आपको बता दें, इस नई नीति के तहत पुलिस में सिपाही से इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों के अपूर्ण प्रोन्नति, अनुकंपा, प्रशासनिक और सेवानिवृत्ति के आधार पर तबादले का प्रावधान है। बिहार विधान परिषद में मनोनीत कोटे की 12 सीटों पर घोषणा जल्द। विधान परिषद चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्यपाल कोटे की मनोनयन वाली 12 सीटों के अलावा विधानसभा कोटे की 2 सीटों के अलावा स्थानीय निकाय कोटे की 4 सीटें भी खाली हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर 18 सीटें खाली हुई है। इनमें पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की विधानसभा कोटे की 1 सीट उनके राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने के बाद ही खाली हुई है, जबकि विनोद नारायण झा की भी विधानसभा कोटे की सीट खाली हो गई है। बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार 10 जिलों में खोलेगी कॉल सेंटर। बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक बड़ी पहल करने वाली है। केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रवासी संसाधन एवं परामर्श केंद्र बिहार के 10 जिलों में खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह कॉल सेंटर ऐसे जिलों में खोले जाएंगे जहां प्रवासी मजदूरों की संख्या ज्यादा है। वहीं कॉल सेंटर के शुरू हो जाने से प्रवासी मजदूरों को दलालों के चंगुल से आसानी से बचाया जा सकेगा। फिलहाल कॉल सेंटर खोलने के लिए सिवान, मुजफ्फरपुर, छपरा, लखीसराय, किशनगंज, गोपालगंज, गया, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और बेगूसराय को चिन्हित किया गया है। ओवरलोडिंग पर नियंत्रण पाने के लिए लगाए जाएंगे ऑटोमेटिक बैरियर। बिहार में ओवरलोडिंग पर रोक लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। जेपी सेतु की पहुंच पथ में लगाए गए स्वचालित बैरियर की तर्ज पर प्रदेश के अन्य प्रमुख पथों, पुलों पर भी स्वचालित बैरियर लगाने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, मेगा परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने नेशनल हाईवे की समीक्षा बैठक के दौरान विभाग के अधिकारियों को कई और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार इस्तेमाल हो सकता है ईवीएम। राज्य में पंचायत और ग्राम कचहरियों का चुनाव अगले साल मार्च से मई के बीच कुल 9 चरणों में संपन्न करवाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से पूछा है कि उनके जिले में कितने चरणों में चुनाव करवाया जा सकता है। इसके लिए चरणवार प्रखंडों का विवरण अधिकतम 2 हफ्तों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश सरकार बिहार में ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव कराने पर विचार कर रही है। हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पंचायती राज विभाग को ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा है। तेजस्वी यादव ने 15 साल तक बिहार संभालने की बधाई संदेश के साथ कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, जिसके तहत बीते दिन ट्वीट जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि सभी मानकों पर लगातार नीचे से टॉप पर रहने वाले 15 साल के लिए सीएम नीतीश कुमार जी को बधाई। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, प्रदूषण, प्रवास, विकास, बेरोजगारी और खराब शासन के लिए है। दरअसल तेजस्वी ने जो रिपोर्ट ट्वीट की है उसमें IIT भी रैंकिंग ऑफ इंडियन सिटीज का हवाला दिया है, जिसमें पटना शहर इनमें सबसे पीछे है।
पुष्पम प्रिया चौधरी ने लालू नीतीश के ऊपर ट्रेंड कर रहे मीम्स को शेयर कर कसा तंज। प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार रही पुष्पम प्रिया चौधरी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। दरअसल पुष्पम प्रिया चौधरी ने हाल ही में नीतीश कुमार और लालू यादव पर जारी मीम्स, जो कि एक पुराने गीत को लेकर बनाया गया है, इसको शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि बिहार की किस्मत, मुझे इस तस्वीर को देख के बेहद ही मजा आया क्योंकि इसमें जिन दो नकली नेताओं का चित्रण किया गया है उनको जब से मैं देखती हूं मुझे बिहार के लिए बहुत दुख और अफसोस होता है। राबड़ी देवी ने की बिहारवासियों से जरूरी काम पर ही बाहर निकलने की अपील। बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अब सख्ती से पेश आ रही है। इस मामले में विपक्ष लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में महाजंगल राज के महाराजा द्वारा मनोनीत दागियों का तांडव राज है। आमजन सावधानी पूर्वक अति जरूरी काम से ही घर से बाहर निकले, सत्ता संरक्षित संगठित लोग कभी भी आपकी जान ले सकते हैं। जनहित में जारी। सुशील मोदी को मिल गया राज्यसभा की जीत का सर्टिफिकेट। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जिसके बाद बीते दिन निर्वाची पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने सुशील मोदी को प्रमाण पत्र सौंप दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत कई मंत्री और नेता भी उपस्थित थे, जिसके बाद भाजपा नेता सुशील मोदी पहले विधानसभा, लोकसभा और फिर विधान परिषद के बाद अब राज्यसभा सदस्य बन गए हैं। सुशील मोदी बिहार के ऐसे तीसरे नेता बने हैं जो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की पहल हुई शुरू। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संचालन के लिए नई कार्य योजना पर काम शुरू हो गया है। इसको लेकर हाल ही में शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरी द्वारा समीक्षा बैठक में नए सिरे से कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया था, जो आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के मानकों पर भी खरी उतरी। इस पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने अमल करते हुए पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता सुधारने का जिम्मा अन्य अधिकारियों को सौंप दिया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत की पारंपरिक जैव संपदा नीम, हल्दी और जामुन के बाद गौमूत्र को 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेटेंट किया था। वसुंधरा राजे 2003 में सिंधिया राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आज ही के दिन आसीन हुई थी। उमा भारती 2003 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आज ही के दिन आसीन हुई थी। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का जन्म 1927 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र का जन्म 1935 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का जन्म 1946 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी भाई परमानंद ने 1947 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। भज्जी ने इस भारतीय खिलाड़ी को बताया आंद्रे रसेल से भी हावी। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे T20 में भारत को जीत मिली है, वहीं इसके साथ ही भारत यह सीरीज जीत चुका है। हालांकि इस मैच में हार्दिक पांड्या के नाम की चर्चा खूब हो रही है। जहीर खान के बाद अब हरभजन सिंह ने भी हार्दिक पांड्या की तारीफ की है, जिसके तहत भारतीय टीम इंडिया के सीनियर स्पिनर हरभजन सिंह ने पांड्या की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि कॉन्फिडेंस हर दिन के साथ बढ़ रहा है। वो ऐसा खिलाड़ी है जो टीम इंडिया के लिए पूरी तरह से फिनिशर बन चुका है। वो रसेल जैसे अच्छा है या उससे बेहतर है मैं कहूंगा। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वरुण ने शेयर किया एक पोस्ट। कोरोना के माहौल में शूटिंग पर वापस लौटे सेलिब्रिटीज में से कई लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर सामने आई है। इसी बीच वरुण धवन की कोरोना रिपोर्ट भी हाल ही में पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्होंने हाल ही में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसके तहत उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि जब मैं कोविड-19 के दौर में काम करने के लिए लौटा तो कोविड-19 था। प्रोडक्शन द्वारा सभी सावधानियां बरती गई, लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ भी निश्चित नहीं है, खासतौर से कोरोना तो बिल्कुल नहीं, तो कृपया एक्स्ट्रा सावधान रहे। मुझे विश्वास है कि मैं ज्यादा सतर्क हो सकता था। गूगल ने दी जीमेल, ड्राइव और फोटो यूजर को वार्निंग। जीमेल, गूगल फोटोज और गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करने वाले यूजर के लिए अहम सूचना। गूगल ने हाल ही में अपने यूजर को चेतावनी देनी शुरू कर दी है और अगर वो कंपनी के नए नियम का पालन नहीं करते हैं तो उनके जीमेल, गूगल फोटोज और गूगल ड्राइव कंटेंट को डिलीट भी किया जा सकता है। गूगल ने यह नया अलर्ट एक ईमेल में इश्यू किया है, जिसमें कहा गया है कि गूगल की नई स्टोरेज पॉलिसीज अगले साल से लागू होगी। express.co.uk की रिपोर्ट के मुताबिक जो यूजर गूगल की नई पॉलिसीज को फॉलो नहीं करेंगे उनके प्राइवेट कंटेंट को गूगल के सर्वर से डिलीट किया जा सकता है।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 7 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,350 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,350 रुपए था। इसके अलावा अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,910 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 85.42 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उदेश कुमार, कुलवंत सिंह, मनीष मोहरा, कलेश्वर पांडे, प्रभात कुमार, नितेश कुमार, असलम राज, कालेश्वर पांडे, राजन कुमार, अंकेश सिंह, अनामिका कुमारी, भाई धनजी पहलवान, रंजीत कुमार, संजीव गेमिंग, अनिल कुमार, गजाला परवीन, कुलवंत सिंह, राकेश रावत। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार किसान बिल का विरोध करने सड़कों पर उतरे किसानों की तरफ से बुलाया गया भारत बंद का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।